जय जोहार संगवारी हो, मैं हूं बबीता। छत्तीसगढ़ दर्शन दिखैया हमार जम्मो दर्शक मन के स्वागत हवे। संगवारी हो, अवैया 10 दिसंबर के दुनिया भर में मानव अधिकार दिवस मनाया जाही। मानव अधिकार ह पहली वैश्विक घोषणा और नवा संयुक्त राष्ट्र के पहली प्रमुख उपलब्धि मन में एक हरय। मानव अधिकार मन के सार्वभौम घोषणा ला 10 दिसंबर बछर 1948 के संयुक्त राष्ट्र महासभा कोती ले करेंगे रहिस। मानव अधिकार ह वो अधिकार मन ला सुनिश्चित करते जिन्हा हर कोनो ला मनखे के रूप में मिले, चाहे वह कोनो भी जाति, रंग, धर्म, लिंग, भाषा, राजनीतिक, राष्ट्रीय या सामाजिक, मूल संपत्ति, जन्म या फिर दूसर स्थिति के हुए। बछर 2024 के मानव अधिकार दिवस के विषय है हमारे अधिकार, हमारा भविष्य अभी। मानव अधिकार ह व्यक्ति मल्ला और समुदाय मन पर बेहतर कल बनाए बर बना सकत है। त संगवारी हो, मानव अधिकार के पूरा शक्ति ला अपनाना है और माँ भरोसा करके जिन दुनिया ला हमन चाहतन ओखर रद्दा के रूप में हम सबो ला शांतिपूर्ण, समान और टिकाऊ बनना है। यही संकल्प लेवत हुए छत्तीसगढ़ दर्शन के आज के अंक में देख बोल। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौका में प्रदेश भर में आयोजित हुए इस कई कार्यक्रम सीआरसी सेंटर राजनांदगांव में करेगी इस दिव्यांगजन मल्ला सहायक उपकरण के वितरण। जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के प्रति जन जागरूकता बढ़ाए बर कोरिया जिला में नारी शक्ति ले जल शक्ति अभियान के हुई शुरुआत। जांजगीर चांपा जिला के पोषण पुनर्वास केंद्र में कुपोषित लयिका मन के करे जाते विशेष देखभाल, विशेष आहार के अलावा लयिका मन उपलब्ध कराए जाते मनोरंजन के साथ। आईआईटी भिलाई में एक प्रमुख प्रोजेक्ट के तहत आकाश गंगा के निर्माण और ब्लैक होल जैसे खगोलीय विषय पर करे जाते अनुसंधान। और रेल यात्री मल्ला स्वच्छ बेडरोल उपलब्ध कराए में महत्वपूर्ण योगदान देवत है दुर्ग रेलवे स्टेशन में स्थापित ऑटोमेटिक लॉन्ड्री संयंत्र। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस में राजनांदगांव जिला के ठाकुर टोला स्थित सीआरसी केंद्र में दिव्यांगजन मन के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण पर कई ठन कार्य करे जाते। ये कार्यक्रम में दिव्यांगजन मन के अधिकार ला सुरक्षित राखे के गोट कहीं और दिव्यांगजन मन ला चेक घलोक पाटी गे से। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय हा राजनांदगांव के सीआरसी सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौका में कई ठन कार्यक्रम आयोजित करे रहिन। ए बेरा में दिव्यांगजन मन ला सहायक उपकरण घलो बाटिन हे। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंहा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहिन। ए बेरा में वहाँ कहीं हवे कि दिव्यांगजन मन के अधिकार ल सुरक्षित राखे बर सरकार कृत संकल्पित हवे। आज पूरे देश और दुनिया में जो हमारे बच्चे हैं और जो उस श्रेणी के लोग हैं जिनके हाथ पैरों में कोई कमियां हैं, ऐसे बच्चों के लिए पूरे दुनिया में इस प्रकार का उत्सव मनाया जाता है। और सीआरसी सेंटर हमारा इसके सारे प्रकार के सुविधाओं से युक्त, जिसमें उनको फिजियोथेरेपी से लेकर उनके स्पीच थेरेपी से लेकर और अन्य प्रकार के उनको ऐड जो किट जो प्रदान करते हैं, ऐसे दिव्यांग दिवस के अवसर में कार्यक्रम हुआ। और इस सेंटर को 35 करोड़ की लागत से बना सेंटर छत्तीसगढ़ का इकलौता सेंटर है जो पूरे प्रदेश के दिव्यांग बच्चों के दृष्टि से मार्गदर्शक रहेगा। ए बेरा महा मेधावी छात्र मल्ला छात्रवृत्ति घलोक बाटेगी से। कोरिया जिला में नारी शक्ति ले जल शक्ति अभियान के पहल करेंगे ही। यह अभियान के उद्देश्य जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के प्रति जन जागरूकता ला बढ़ाना है। यह अभियान में जल संरक्षण के संगे संग ज्यादा ले ज्यादा पेड़ लगाना और पेड़ मन के कटाई ला रोके के अपील लोगन मन ला करे जाते। जल, जंगल और जमीन के महत्व ला समझात हुए कोरिया जिला में महिला मन की अगुवाई में नारी शक्ति ले जल शक्ति अभियान के पहल करेंगे है। जिला कलेक्टर चंदन त्रिपाठी के अगुवाई में महिला अधिकारी मन और ग्रामीण महिला मन हा सोनहत विकासखंड के ग्राम अंगवाही स्थित डेढ़गा नाला में बोरी बांधन के कार्य करे है। ये अभियान के उद्देश्य जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के प्रति जन जागरूकता ला बढ़ाना रहिस। ए मौका में जिला कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी हा कहिन कि नारी शक्ति अभियान के माध्यम ले समाज ला संदेश देना चाहते कि जल संरक्षण हर व्यक्ति के जिम्मेदारी हरे और पानी के उचित इस्तेमाल करे। नारी शक्ति से जल शक्ति अभियान के तहत आज श्रमदान करके एक बोरी बंधान का काम चालू किया गया है और इसे कंप्लीट किया गया है और इसमें सारे जिला लेवल के अधिकारी इन्वॉल्व
से हम सभी ग्रामीण को यह संदेश देना चाहते हैं कि भाई जल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका संचय और संरक्षण करना आवश्यक है। ये शुरुआत है और इसके बाद भी हम 2-3 ऐसे स्टेप्स में जल संरक्षण का काम करेंगे। आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से एक जल संरक्षण का काम हुआ है और कम से कम नहीं भी तो 8 से 9 महीने तक यहाँ जल संरक्षित रहेगा, तो लोगों के उपयोग के लिए भी रहेगा और पशु पक्षी के उपयोग के लिए भी रहेगा। एक कार्यक्रम में वनमंडल अधिकारी प्रभाकर खलगोहा जल संरक्षण के संगे संग ज्यादा ले ज्यादा पेड़ लगाए बर और पेड़ मन के कटैला रोके के आह्वान करी है। नारी शक्ति से जल शक्ति अभियान के तहत हम आज यहाँ बोरी बांध की शुरुआत की है और ये ग्रामों में बहुत अच्छा संदेश है कि नारियों के महिलाओं के सहयोग से हम जल का संचयन कैसे कर सकते हैं और जल, क्योंकि जल ही जीवन है, तो ये हम संदेश देना चाहते हैं कि जल बचाना और जल संग्रहण करना ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी धरती को अगर बचाना है तो हमको जल को बचाना बहुत जरूरी है और अगर जल बढ़ेगा तो प्रकृति भी हमारी हरी भरी रहेगी। गाँव में यह अभियान है साथी हाथ बढ़ाना और पानी जिंदगानी है जैसे प्रेरक वाक्य मन के संग में शुरू हुई और अधिकारी और महिला मन उत्साह के संग श्रमदान तक करें। महिला बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग ये दोनों हा बैठक लेके कुपोषण ल दूर भगाए के अभियान छेड़े है। जौन माँ माता मन के संगे मही कुपोषित लयिका मल्ला विशेष आहार देवत है और शारीरिक और मानसिक विकास ऊपर घलो जोर दे जाते। पोषण आहार ले कुपोषित लयिका मल्ला सेहतमंद बनाए जाते। जांजगीर चांपा जिला के अकलतरा स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र ले लयिका मल्ला सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जैसे सुविधा दे जाते। यहाँ पोषण आहार ले कुपोषित लयिका मल्ला सेहतमंद बनाए जाते। जिला कलेक्टर आकाश शिकारा है जिला में महिला बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मन के बैठक लेके कुपोषण दूर भगाए के अभियान छेड़े हैं। एकर बाद पुनर्वास केंद्र मन में कुपोषित लयिका मन के संगे मही कर माता मन के संग में रख के मल्ला विशेष आहार परोसे के संगे मही शारीरिक और मानसिक विकास पर मनोरंजन के साधन घलो उपलब्ध करावत है। शहरी पर्यवेक्षक अर्पणा शर्मा बतैन कि पोषण पुनर्वास केंद्र मन के लक्ष्य महिला मल्ला घर में उपलब्ध सामग्री ले ही पोषण खाद्य बनाए बर सिखाए के संगे मही मल्ला रोजगार ले तक जोड़ना है। केंद्र का लक्ष्य कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाना है, महिलाओं को रोजगार प्रदान करना है एवं होम मेड डाइट यानी कि घर में जो चीज़ें उपलब्ध हैं उसके माध्यम से बच्चों को कैसे सुपोषित किया जाता है इसके लिए यहाँ पर डाइट प्लान भी बताया जाता है। इसके पहले हम देखें, पहले की स्थिति अगर देखें तो अकलतरा ब्लॉक में कुपोषण ज़्यादा था, परंतु NRC खुलने के बाद बच्चे यहाँ कुपोषित बच्चे यहाँ आकर भर्ती हुए हैं जिससे काफ़ी बच्चे सुपोषित हुए हैं और कुपोषण का स्तर काफ़ी कम हुआ है। इस योजना का लाभ जमीनी स्तर पर लोगों को मिल रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है और शासन की इस योजना का लाभ आगे भी सभी को मिले मैं इसी आशा। उहे हितग्राही मन बतैन है कि अकलतरा पुनर्वास केंद्र में मल्ला ओकर लयिका मल्ला हर तरह की सुविधा दी जाते। हमारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मैडम भेजी से तो आए हो और मोर बच्चा बहुत कमजोर है, इसमें यहाँ बहुत सुधार भी बहुत अच्छा भी है। हाँ यहाँ मेरा मन भी बहुत अच्छा है और खान पान भी बहुत अच्छा दिवाते टाइम टाइम पे। यहाँ का रहन सहन बहुत अच्छे से अच्छा ही हो रहा है, खान पान में भी है, टाइम टू टाइम खाना भी दे रहे हैं। केंद्र में कुपोषित लयिका स्वस्थ रखे बर पोषण युक्त आहार के संगे में ही विटामिन के खुराक दे के घलोक व्यवस्था करेंगे। IIT भिलाई के भौतिक विभाग में खगोलिक विज्ञान ऊपर एक ठन प्रमुख प्रोजेक्ट ऊपर कार्य चलत है। ये प्रोजेक्ट है आकाशगंगा के निर्माण और हाइड्रोजन के विखंडन के संगे में ही दैत्यकार ब्लैक होल ऊपर केंद्रित हवे। IIT भिलाई विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षण के उत्कृष्ट मिशन में लगातार आगू बढ़त है। एकरे तहत में IIT के भौतिक विभाग में दिन खगोलिक विज्ञान ऊपर एक ठन प्रमुख प्रोजेक्ट में कार्य चलत है। ये प्रोजेक्ट है आकाशगंगा के निर्माण और हाइड्रोजन के विखंडन के दैत्यकार ब्लैक होल ऊपर केंद्रित हवे। IIT के प्रोफेसर डॉक्टर महावीर शर्मा के नेतृत्व में ये प्रोजेक्ट हा संचालित हुआ थे। 2 PhD और 1 MSc छात्र हा ये प्रोजेक्ट ऊपर कार्य करा थे। एक ऊपर शोध बार भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग हा वित्त सहायता घलोक दे है। ये शोध मन के परिणाम हा ऑनलाइन वैज्ञानिक रिसर्च पेपर में उपलब्ध हवे जौन मा हाइड्रोजन के विखंडन के कारण बताए गए है। भौतिकी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर महावीर शर्मा बतैन है कि आकाश में जिन तारा मन टिमटिमावत रही से मन पहली नहीं रही, फिर हाइड्रोजन के विखंडन ले ये तारा आकाशगंगा के ही निर्माण हुए।
तो हम यहाँ पे एक जो प्रोजेक्ट जिस पे काम कर रहे हैं फिलहाल, उसमें से एक है ब्रह्मांड में हाइड्रोजन का विखंडन किस तरीके से हुआ, और ये सर्ब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से फंडेड है। और इसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब यूनिवर्स में स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था, ये पूरा अंधकारमय था, डार्क मैटर और हाइड्रोजन से भरा हुआ था, तो फिर अचानक कुछ एक छोटे से पीरियड में ये पूरी तरीके से प्रकाशमय हो गया। तो वो हुआ कैसे, तो कैसे पहले सितारे बने और पहली आकाशगंगाएं बनी, और उन्होंने जो विकिरण उत्सर्जित की वो जब बाहर गई उसने हाइड्रोजन को विखंडित किया। तो इसको हम किस कारण से हुआ, इस कारण का उत्तर हम देने की कोशिश करते हैं, जिसके ऊपर हमारे शोध पत्र जो हैं वो प्रकाशित हुए हैं और वो वेब के ऊपर उपलब्ध है। आकाशगंगा पहले बनी कि उसके केंद्र में जो ब्लैक होल है वो पहले बना, या फिर दोनों साथ ही साथ बने? तो हमारा जो थ्योरी है उसके मुताबिक हमें लगता है कि दोनों चीज़ें साथ ही साथ डिवेलप होती हैं। आकाशगंगा दैत्यकार ब्लैक होल की सहायता करती है और दैत्यकार ब्लैक होल आकाशगंगा को बढ़ने में सहायता करता है। हाइड्रोजन विखंडन पर शोध करैया छात्र नचिकेत जोशी हवतैन है कि शोध ब्रह्मांड निर्माण के पहली अनुसंधान के बाद के सोचला बदलत है। कॉस्मिक रियलाइजेशन ये एक खगोल भौतिकी की बहुत बड़ी पहल है। यह जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब ब्रह्मांड में अंधकार था, क्योंकि पहले तारे बने नहीं थे। तो पहले तारे कैसे बने, उन पहले तारों में से जो रोशनी आई उस रोशनी ने ब्रह्मांड को कैसे उजागर किया, इसकी पहल कॉस्मिक रियलाइजेशन प्रोजेक्ट में होती है। वह पीएचडी के छात्र ऋतिक शर्मा हाँ दैत्यकार ब्लैक होल के बने के कारण मतलब बताएंगे। गैलेक्सी के आसपास उसका मास इतना ज़्यादा होता है कि वो बाहर से आने वाली गैस को काफ़ी तेज़ी से अंदर सेंटर की तरफ ला सकता है। जब वो सेंटर की तरफ बहुत सारा गैस आएगा, उसकी वजह से हमारे पास बहुत सारी गैस ब्लैक होल बनने के लिए उपलब्ध हो पाती है, उससे हमारा ब्लैक होल का विकास तेजी से हो पाता है। IIT भिलाई में यहाँ करे जात नित नवा शोध मल्ले जिहाँ देश भर में अपन विशिष्ट पहचान बनावत है, उन्हें स्कूली लड़का मन घलोक बेरा बेरा में अपन अनुसंधान मल्ले परिचित कराते। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तहत रायपुर रेल मंडल के मैकेनाइज्ड बूट बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर लॉन्ड्री प्लांट ले अब यात्री मन ला बेहतर सुविधा दे बर ट्रेन मन में अब साफ और स्वच्छ बेडशीट के संगे में ही दूसर सामग्री दे बर सेवा मल्ला बढ़ाए गए हैं। दुर्ग में मैकेनाइज्ड बूट लॉन्ड्री प्लांट स्थापित करे गए हैं ताकि यात्री मल्ला साफ सुथरा और स्वच्छ बेडरोल उपलब्ध कराए जाए। रायपुर डिवीजन के रेल यात्री मल्ला स्वच्छ बेडरोल उपलब्ध कराए में दुर्ग रेलवे स्टेशन में स्थापित बूट लॉन्ड्री संयंत्र अपन विशिष्ट सेवा देवा थे। लगभग 40 करोड़ रुपया के लागत ले स्थापित ये संयंत्र पूरा तरह ले ऑटोमेटिक हवे। यहाँ भाप के माध्यम ले बेडशीट टावेल और पीलो कवर के धुलाई कर जाते, जेखर से रेल यात्री मल्ला पूरा तरह ले स्वच्छ और कीटाणु रहित बेडरोल उपलब्ध कराया जा सके। दुर्ग के सीनियर कोचिंग डिपो ऑफिसर मनीष कुमार राय बताइन है कि संयंत्र के स्थापित हो जाए ले रायपुर डिवीजन ऊपर आत्मनिर्भरता खत्म हो जाए। हमारे पास ट्रेन में जो गंदे बेडशीट या लिनन सारे आते हैं वो यहाँ पे लाए जाते हैं। यहाँ पे लाने के बाद उसको हम लोग सेग्रीगेट करते हैं, जो हेवी सॉइल्ड लिनन है उसको अलग करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है, और जो नॉर्मल लिनन है उसको हम लोग वॉशिंग में डाल देते हैं। वॉशिंग होने के बाद फिर ये सारा लिनन जो है हम कैलेंडरिंग मशीन, जो कि एक आयरनिंग मशीन होती है, उसमें डाल के फिर उसमें से जो लेडीज़ हैं उनके द्वारा उसको फोल्ड किया जाता है। फोल्ड करके एक लास्ट स्टेप जो हमारा होता है पैकिंग का, उसमें दो बेडशीट और एक टॉवल जो है वो उसकी पैकिंग होती है। पैकिंग होने के बाद फिर ये 25 के एक पैकेट बन एक बोरे में पैक होता है, 25-25 पैकेट का, और इसके बाद फिर यहाँ से हम ट्रेन में इसको लोड कर देते हैं। आप मतलब बता दें कि बछर 2019 से स्थापित ये संयंत्र के क्षमता है 16,000 बेडशीट, 8,000 पीलो कवर और 8,000 टैवेल ला धोए के रहिस, और डिमांड के हिसाब ले अब ये संयंत्र के यहाँ आवश्यकता की पूर्ति करे में मददगार साबित हुआ थे। तो संगवारी हो और मिलबो इतवार के इही बेरा में एक ठन नव अंक लेके। बबीता मार्कंडीला दो विदा, जय जोहार।